नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे के वीडियो में समास के प्रकार देखे थे। इसमें दो प्रकार देख लिए हैं। अब आज हम तीसरा प्रकार देखेंगे। आगे के जो दो प्रकार थे, इसमें हमने अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास देख लिया। हमें यहाँ नौवीं कक्षा में चार प्रकार देखने हैं। इसमें से दो अव्ययी भाव और कर्मधारय समास देख लिए हैं। आज हम द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में, भाग दो के बारे में देखेंगे। तो चलो, आज हम भाग दो में तीसरा प्रकार जो समास का है, द्विगु समास, उसे देखते हैं। तो नंबर तीन, द्विगु समास। जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। अब यहाँ हमें व्याख्या पढ़ते ही पता चलता है, संख्यावाचक जो शब्द दिया गया हो उसमें संख्या का बोध किया गया हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। परिमाणवाचक यानी वह भी संख्या का ही उल्लेख करता है, लेकिन इसमें गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे जो शब्द दिए गए हो उसे हम द्विगु समास के रूप में देखते हैं। समस्त पद और विग्रह वाले कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिसे हम देखते हैं। नंबर एक, त्रिकाल। त्रि यानी संख्या का बोध कराता है, तीनों ऐसा अर्थ होता है। तो तीनों कालों का समूह, त्रिफला, त्रि यानी तीन शब्द का उल्लेख करता है, तीन फलों का समूह। पंचामृत, पंच यानी पांच, पांच अमृतों का समूह। इन उदाहरणों में क्रमांक एक और दो में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है और क्रमांक तीन में पहला शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, अतः ये द्विगु समास कहलाते हैं। इनके कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, समस्त पद और विग्रह करके दिए हैं। तो ये देखते हैं, त्रिलोक यानी त्रि, तो तीन लोकों का समूह। चौगुनी, चौ यानी चार, तो चार गुनी। नवरात्र, नौ यानी नौ रात्रियों का समूह। पंचनद, पांच नदियों का समूह। चतुष्कोण, चार कोण वाला। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। समाहार शब्द यह दिया गया है जो आपके लिए नया है, लेकिन समूह का अर्थ ही बताता है यह समाहार यानी। चौमासा, चार मासों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। सप्ताह, सात दिनों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। अब इसके नीचे और कुछ समास दिए गए हैं जिसे हम विग्रह करके देखेंगे। तो नवरत्न पहला शब्द दिया गया है, तो नौ रत्नों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पंच प्रमाण, पांच प्रमाणों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। नवरस, नौ रसों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। छमाही, छह मासों का समूह। तीकोना, तीन कोनों का समूह। और दिए गए हैं, दोपहर यानी दो पहरों का समूह। अठवाड़ा, आठ वाड़ा का समूह। त्रिलोकी, तीन लोकों का स्वामी। अठन्नी, आठ आनों का समूह। द्विगु, दो गायों का स्वामी। द्विगु यानी दो गायों का समूह। द्वि यानी दो, गु यानी गाय शब्द का उल्लेख करता है, यानी द्विगु यानी दो गायों का समूह। अठ लोना, आठ धातुओं का समूह। लोना यानी
आठ लोनों की समूह, अष्ट धातु आठ धातुओं का समूह, षड रस सरसों का समूह, पंच वदन यानी पांच वदनों का समूह। ऐसे द्विगु समास के शब्द जो दिए गए हैं इस तरह विग्रह किया जाता है। अब नंबर चार, द्वंद्व समास। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान यानी मुख्य। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्यस्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे सत्य और असत्य शब्द का समस्त पद होगा सत्या सत्य। यहाँ दोनों पद प्रधान है, प्रधान यानी मुख्य। दो अलग अलग पद दिए गए हो उसे और अथवा या शब्द लगाकर उसका विग्रह किया जाता है, और जब विग्रह वाले ऐसे शब्द दिए गए हो तो उसे एक रूप बनाने के लिए और अथवा तो या जो दिए गए हो अव्यय के रूप में उसको निकाल कर पूरा शब्द एक रूप करके लिखना पड़ता है। नंबर एक, अब द्वंद्व समास में तीन प्रकार है। इसमें नंबर एक देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में स्पष्ट रूप से कहा गया है समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है। इतरेतर जो द्वंद्व समास है इसमें दो शब्दों के बीच में विग्रह करते समय और शब्द अवश्य रखना पड़ता है अव्यय के रूप में। तो देखते हैं उदाहरण। समस्त पद, ऋषि मुनि, यहाँ माता पिता, गाय बैल, सीताराम, राधा कृष्ण, भाई बहन, ये जो शब्द समस्त रूप के रूप में दिए गए हैं इन सबको एक रूप बनाने के लिए योजक चिन्ह बीच में दिया गया है। अब इसे विग्रह करते समय योजक चिन्ह जो लगा है उसे निकाल कर समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में और शब्द लगाकर विग्रह करना पड़ेगा। तो ऋषि मुनि, तो ऋषि और मुनि। माता पिता, तो माता और पिता। गाय बैल, गाय और बैल। सीताराम, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। अब इसमें द्वंद्व समास में दूसरा नंबर आता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में एक है या दूसरा नहीं यह बताने के लिए विग्रह करते समय या वा अथवा जैसे अव्यय समुच्चय बोधक जो है उसे लगाना पड़ता है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में दिए गए शब्द है उसका विग्रह दिया गया है, यह देखते हैं। समस्त पद, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, यहाँ संधि दी गई है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। हा ना, हा या ना। लाभाला, लाभ या अलाभ। जोड़ तोड़, जोड़ना या तोड़ना। गुण दोष, गुण या दोष। यहाँ भी समस्त पद के रूप में कितने ही ऐसे शब्द है जिन शब्दों में एक रूप बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है विग्रह करते समय या एक है या नहीं है यह बताने के लिए या समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। नंबर तीसरा, समाहार द्वंद्व समास। जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं।
उदाहरण दिए गए हैं, दाल रोटी, कपड़ा लता, सेठ साहूकार, रुपया पैसा। ये जो समस्त पद के रूप में हमें जो शब्द दिए हैं समास के रूप में, इन सभी को एक रूप बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसे विग्रह करके देखते हैं तो दाल रोटी वगैरह, कपड़ा लता वगैरह, सेठ साहूकार, सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग, रुपया पैसा, रुपये पैसे गहने वगैरह, और शब्द आगे आ सकते हैं ऐसा सूचित करने के लिए इनमें वगैरह शब्द लगाया जाता है। ऐसे कितने ही और शब्द है जो समास के रूप में दिए जाते हैं, जिसको हम और आगे शब्द आ सकते हैं ऐसा बताने के लिए वगैरह शब्द यानी और शब्द है ऐसा सूचित करने के लिए लगाते हैं। वगैरह शब्द नहीं लगाते तो आदि शब्द लगा सकते हैं, जो भी आगे और शब्द आ सकते हैं ऐसा सूचित करता है। धातव्य बिंदु, जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाता है। जैसे भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, यहाँ भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है, अतः कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। यहाँ बहुत शब्द योजक के चिन्ह के रूप में एक रूप किए गए हैं, जिसे हम देखें, अपना पराया, गंगा यमुना, स्त्री पुरुष, स्वर्ग नरक, हानि लाभ, कर्तव्य कर्तव्य, जीव जंतु, अमीर गरीब, लव कुश, यश अपयश, मान सम्मान, रुपया पैसा, देश विदेश, देवासुर, ये जो शब्द है इन सभी शब्दों को हम विग्रह करके देखेंगे। और यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। अब यहाँ द्वंद्व समास में हमने तीन प्रकार देखे हैं, इसमें से कौन सा शब्द कौन से समास के रूप में है यह भी देखना है। अपना पराया, तो अपना या पराया, तो ये पहला जो शब्द है अपना पराया, यह वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण है, और इसे अपना या पराया इस तरह विग्रह कर सकते हैं। दूसरा है गंगा यमुना, गंगा यमुना में गंगा और यमुना ऐसा विग्रह हो सकता है, तो यह हुआ इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष इस तरह लिखा जाएगा, तो यह भी हुआ इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक इस तरह विग्रह होगा, तो यह भी हुआ इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण। हानि लाभ, हानि या लाभ इस तरह विग्रह होगा, तो यह हुआ वैकल्पिक द्वंद्व समास। कर्तव्य कर्तव्य, यह कर्तव्य या अकर्तव्य इस तरह शब्द होगा विग्रह के रूप में, यानी वैकल्पिक द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। जीव जंतु, जीव जंतु आदि अथवा तो वगैरह शब्द लगा सकते हैं, इसमें हुआ समाहार द्वंद्व समास। अमीर गरीब, अमीर या गरीब यह बताने के लिए हम या अव्यय के रूप में लगा सकते हैं, तो यह हुआ वैकल्पिक द्वंद्व समास। लव कुश, लव और कुश इस तरह विग्रह होगा, तो यह हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। अप यश अपयश, यश और अपयश यानी वैकल्पिक द्वंद्व समास। मान सम्मान, मान सम्मान आदि ऐसा शब्द और भी आगे आ सकता है, इसलिए इसका विग्रह होगा मान और सम्मान, तो यह हुआ समाहार द्वंद्व समास।
रुपया पैसा, रुपया पैसा आदि यानी समाहार द्वंद्व समास, देश विदेश, देश और विदेश ऐसा अव्यय बीच में लगा सकते हैं तो यह हुआ इतरेतर द्वंद्व समास। देवासुर, देव और असुर, इस तरह इसका विग्रह हुआ। अब यह जो समास है वह इतरेतर द्वंद्व समास के रूप में जाना जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने समास देखे, समास में चारों प्रकार हमने देख लिए हैं। अब इन समासों को परीक्षा में जिस तरह भी शब्द दिया गया हो, अगर विग्रह करने के लिए दिया गया हो तो आपको इसी प्रकार विग्रह करना होगा, और शायद कोई शब्द ऐसा होगा जिसे विग्रह करके ही दिया गया हो तो उसे एक रूप करके पूरा समास के रूप में शब्द लिखना होगा। यहाँ हमारा समास खत्म होता है। तो इसका जो स्वाध्याय यानी चारों समास जो हमें यहाँ नौवीं कक्षा में देखने थे, उनका मैं एक पीडीएफ के रूप में आपको भेज दूंगा। यह आपको अपनी नोट में लिखना होगा। नमस्कार।